शहीदों के सम्मान में लोहारू से शुरू हुई बीजेपी की तिरंगा यात्रा जगाधरी विधानसभा पहुंची, जहां हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुज्जर के नेतृत्व में ये यात्रा शुरू हुई। तिरंगा यात्रा में बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ भी मौजूद रहे, जहां शिक्षा मंत्री और ओपी धनखड़ हाथों में तिरंगा लहराते नजर आए। वहीं हजारों की संख्या में बाइकर्स तिरंगा लहराते हुए भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों के साथ देशभक्ति के रंग में रंगे दिखे। तो वहीं कांग्रेस पर शहीदों का इतिहास छुपाने का आरोप भी लगाया। इस रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा बीजेपी द्वारा शहीदों के सम्मान में निकाली गई तिरंगा यात्रा जगाधरी पहुंची, जहां की सड़कें तिरंगे से सराबोर नजर आई। इस मौके पर तिरंगा यात्रा का नेतृत्व कर रहे शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने ये यात्रा पिछले कई सालों से शुरू की गई है, ऐसे में वो दुनिया में किसी से कम नहीं है और मोदी के नेतृत्व में उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और जब मोदी हो तो पूरी दुनिया हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। तिरंगा यात्रा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले कई साल से शुरू कर रखी और उन्हें कहा कि भाई ये जो 15 अगस्त है ये ऐसा ना हो कि सरकारी प्रोग्राम ही बन जा, तो ये उत्सव की तरह मनाया जाना चाहिए और अपने लोगों का जो हौसला है वो बढ़ना चाहिए। हम किसी से कम नहीं है दुनिया में, किसी से कम नहीं है दुनिया में, बस सिर्फ एक आत्मविश्वास की कमी है थी किसी कारण से, गुलामी की वजह से, कहीं की वजह से। लेकिन जैसे जैसे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा, बढ़ाना जब मोदी जी होना तो सारी दुनिया हाथ जोड़कर खड़ी हो उसके आगा, तो जब मोदी जी के आगा जोड़कर खड़ी होना तो कुछ तो तुम्हारे आगे भी उखड़ेगा फिर वहां। तो हमने भी लगा कि जैसे मेरे ताऊ चाचा के मेरे बाबा के आगे कोई जोड़ा ना तो दिक्कत मेरा हौसला बढ़ जा, तो एक करी सारे हिंदुस्तान का हौसला बढ़ जाके मोदी जी ने जय जयकार कर दी और हम किसी कम नहीं। वहीं हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने इतिहास छुपाने का काम किया, जिन लोगों ने बलिदान दिया उनका जिक्र नहीं किया, तो वहीं बीजेपी हर उस शहीद बलिदानी को याद कर उनका सम्मान कर रही है। भक्ति का पर्व है, देशभक्ति का उत्सव है, इसलिए पूरे हरियाणा में तिरंगा उठाकर शहीदों का सम्मान करने के लिए हम निकले हैं। हर जगह से एक आवाज आनी चाहिए, वीर शहीदों का सम्मान याद रखेगा हिंदुस्तान। शहीदों के सम्मान में हर हल्का मैदान में, जगाधरी मैदान में, आज मैं जगाधरी में हूँ, लोहारू से यात्रा शुरू हुई थी, अनेकों विधानसभाओं की यात्रा हो गई है, 90 विधानसभाओं में यात्रा हो रही है, किसान भी निकल रहा है, जवान भी निकल रहा है, व्यापारी भी निकल रहा है, मजदूर भी निकल रहा है, हर वर्ग के लोग इस यात्रा में निकले हैं और जिस प्रकार का देशभक्ति का उत्साह में जो दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है कि एक देशभक्ति के नए लेवल के ऊपर प्रदेश का युवा जाएगा। इस समय में मैं कहना चाहता हूं कि देश के इतिहास को कांग्रेस की सरकारों ने छुपाया, देश के इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण तारीखों को देश के सामने नहीं आने दिया गया। 30 दिसंबर 1943 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह को आज़ाद करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहला तिरंगा फहराया था, लेकिन देश के इतिहास में किसी भी नौजवान को वो तारीख पढ़ने को नहीं मिली। 26,000 आज़ाद हिंद फौज के शहीदों ने बलिदान दिया था, उन शहीदों का जिक्र नहीं हुआ, उनके स्मारक जिस प्रकार बनने चाहिए थे वो नहीं बने। ऐसे हर गाँव में बलिदानी है, हर गाँव में आज़ादी की लड़ाई के दीवाने हैं। मैं आह्वान करना चाहता हूं आज मीडिया के माध्यम से, हम एक एक बलिदानी की कथा को खोज कर निकालें और पब्लिक डोमेन में लेकर आए। मैं एक और आह्वान करना चाहता हूं, पंचायत मंत्री के नाते जब मुझे दायित्व मिला था, हमने हर गांव में जो है ग्राम गौरव पट बनाए थे और उस गांव के शहीदों का नाम लिखा था। 15 अगस्त को मैं आह्वान करता हूँ अपनी पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं से और समस्त ग्रामीणों से आह्वान करता हूँ। बता दें कि शहीदों के सम्मान में निकाली गई तिरंगा यात्रा प्रताप नगर से शुरू हुई, प्रताप नगर से होते हुए छछरौली अनाज मंडी, मानकपुर लकड़ मंडी से जगाधरी बाईपास होते हुए जगाधरी बस स्टैंड से कई चौकों पर निकली और बीकेडी रोड से वापस प्रताप नगर में यात्रा का समापन हुआ। इस दौरान भारी संख्या में युवा इस तिरंगा यात्रा के साथ रहे। यमुनानगर से सुमित ओबराय की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।